भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने अपने हालिया खुलासों से यूट्यूब का माहौल पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, गर्म कर दिया है। उन्होंने जब से यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया है तब से हर कोई इस मामले में अलग अलग कहानी एंगल लेकर आ रहा है। हालांकि इस पूरी कहानी में मेन पवन सिंह पर ज्योति सिंह पर कौन कौन से 5 संगीन आरोप लगाए हैं या कहीं खुलासे किए हैं उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इन दोनों के आरोपों के प्रत्यारोप का आज 5 शब्दों में चलिए बताते हैं इसकी पूरी बात। पहला खुलासा। सबसे पहले जो ज्योति सिंह ने खुलासा किया वो ये था कि पवन सिंह शादी के दिन ये कहकर उनसे अकेले छोड़कर निकल जाते हैं कि उनकी फिल्म का मुहूर्त है, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता है तो उन्हें पता चलता है कि कोई मुहूर्त नहीं था बल्कि एक्टर पटना में एक एक्ट्रेस के साथ थे और ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि अक्षर सिंह ही थी जो कि पवन सिंह के साथ रिश्ते में थी। यही नहीं, इनका रिश्ता शादी के बाद भी रहा जिसके बारे में ज्योति सिंह को धीरे धीरे पता चला। दूसरा खुलासा। वो होटल में भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ वक्त गुजारते थे। दूसरा खुलासा ज्योति सिंह ने जो किया वो पवन सिंह पे ये था कि पवन सिंह अक्सर उनसे दूर रहने की कोशिश करते थे ये कहकर कि उनका काम है और वो दूर शूटिंग पर जा रहे हैं। हालांकि ये कोई शूटिंग नहीं बल्कि वो समय होता था जब पवन सिंह होटल में भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ वक्त गुजारने जाते थे। तीसरा खुलासा। पवन सिंह ने मुंबई में भी की थी एक और शादी। अब तक के तो 2 खुलासे तो आप जान चुके हैं और इनके बारे में पहले भी सुन चुके होंगे ही, मगर जो तीसरा खुलासा है वो एकदम नया है जो कि क्या है ज्योति सिंह ने ही। उनके मुताबिक पवन सिंह ने 2 नहीं बल्कि 3 शादियां की हुई थी। कहने का मतलब ये है कि पवन सिंह ने मुंबई में एक और शादी की हुई थी। पवन सिंह ने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मुंबई में एक फ्लैट उस औरत को दे दिया था। इसमें क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन ये खुद पवन सिंह ने ही उन्हें बताया था। ये नहीं, पवन सिंह शादी के बाद उन्हें टॉर्चर भी करते थे और बात इतनी बढ़ गई कि बात तलाक तक आ पहुंची। चौथा खुलासा। सुसाइड करने की भी की थी कोशिश। चौथा खुलासा ये है कि पहली पत्नी की तरह ज्योति सिंह ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी। ज्योति सिंह के किए गए इस खुलासे के मुताबिक वो पवन सिंह के टॉर्चर से इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि ससुराल में सुसाइड करने तक का कोशिश कर चुकी थी। उन्होंने इसी सब की वजह से नींद की 18 गोलियां तक खा ली थी। इन सब में कितनी सच्चाई और कितनी नहीं ये तो ज्योति सिंह ही बता सकती हैं या फिर पवन सिंह। पांचवा खुलासा। मुझे मरने के लिए उकसाते थे पवन सिंह। 5 और आखिरी खुलासा जो ज्योति सिंह ने किया है वो ये है कि पवन सिंह उन्हें मरने के लिए उकसाते थे। उनका कहना है वो मुझे मारने पीटने के लिए आते थे। मैं कभी गैलरी के पास खड़ी हो जाती थी तो कहते थे कि तुम्हें मरना है क्या, और अगर मरना है तो छत से कूद जाओ। अब इन बातों में सच्चाई का वजन कितना है और झूठ का कितना ये तो यही तीनों जाने। लेकिन ज्योति सिंह के ये आरोप पवन सिंह की औरतों के प्रति रिश्ते की गांठ कितनी खोलते हैं आगे ये जरूर देखने वाली बात रहेगी। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।